फ्रेंड्स, आप योनो SBI ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं या योनो लाइट SBI ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, या आपका पुराना ID पासवर्ड है उससे आप योनो लाइट या योनो SBI ऐप में लॉगिन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है या आपका लॉगिन प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है और आपको इस तरह का एक एरर मैसेज दिख रहा है, एक सिक्योरिटी अलर्ट दिख रहा है। और आज के वीडियो में इसी चीज़ को लेकर बात करेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपके मोबाइल में इस तरह का मैसेज आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा और कैसे आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या लॉगिन प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जानना है इस तरह का मैसेज आपको क्यों देखने को मिल रहा है। ये जो स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हो कि आपका जो हैंडसेट है इसमें कुछ ऐसा ऐप है जिससे आपका ID पासवर्ड हैक हो सकता है, जो बैंक बैलेंस है उसको खाली कर दिया जा सकता है। तो अगर ऐसा है तो आपका मोबाइल में योनो SBI या योनो लाइट SBI ऐप की ये दोनों ऐप नहीं चलेंगे, क्योंकि ये दोनों ऐप इतना सिक्योर है। अगर आपके मोबाइल में इस तरह का कोई फिशिंग ऐप रहेगा जिससे आपका मोबाइल का स्क्रीन कोई दूसरा आदमी देख सकता है, तो आपका मोबाइल में ये काम नहीं करेगा। ये पूरा सिक्योरिटी की वजह से है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं या आप लॉगिन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको इस तरह का मैसेज दिख रहा है, तो आपको सिंपली करना क्या है, जो भी ऐप का नेम आपको यहाँ पे दिख रहा है सिंपली प्ले स्टोर में जाके उनको अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद ही आप योनो SBI ऐप या योनो लाइट SBI ऐप दोनों में से किसी भी ऐप का यूज कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसको इससे बैंक को क्या लेना देना है। देखिए, अगर आपके साथ आज कोई प्रॉब्लम होता है, कोई अचानक से आपका अकाउंट से फंड ट्रांसफर हो जाता है, तो बैंक में ही पूछेंगे ना आपका फंड कहाँ गया है। तो बैंक ने क्या किया, ये जो सिक्योरिटी फीचर है इसको लागू कर दिया गया। आपके मोबाइल में इस तरह का ऐप है तो आप योनो SBI या योनो लाइट SBI किसी ऐप को यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, सिंपली अनइंस्टॉल कर देना है ताकि आपको किसी तरह का कोई फिनेंशियल लॉस ना हो जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं उसको अनइंस्टॉल करने के बाद योनो SBI या योनो लाइट SBI ऐप को डाउनलोड करके दोबारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लीजिए या लॉगिन कर लीजिए। अगर उसके बाद भी कुछ इशू आ रहा है तो आप मुझे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपका जो भी इशू है उसको सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा वीडियो था और इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारा जो पेज है उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साइड में बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद।